खाओ खाओ खाओ, भूख लग गई होगी ना, ये देखो राजमा चावल खाते हैं। डुबकी मारी जा रही है, देखिए मारो डुबकी मारो, यहाँ पे मस्ती। पापा उधर को चले गए, पापा कह रहे हैं मैं घूम कर आता हूँ, काफी टाइम के बाद आए हैं ना। हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ। नए दिन की नई शुरुआत हो चुकी है नए ब्लॉग के साथ, और नए ब्लॉग में आज आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्लॉग है तो ज़रूर देखिएगा। आज हम अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं घूमने के लिए, और कहाँ जा रहे हैं वो अभी थोड़ी देर में आप लोग को पता चल जाएगा। तो चलिए ब्लॉग स्किप मत कीजिएगा। आज हमारे पापा जी भी जा रहे हैं हमारे साथ, बहुत मुश्किल से उनको मनाया क्योंकि वो कहीं जाने को ना राजी नहीं होते हैं। तो आज उनको काफ़ी कहा, हस्बैंड जी ने भी कहा कि चलो घर में क्या करोगे अकेले, तो बहुत मुश्किल से तैयार कराए उनको भी जाने के लिए। उनका मन नहीं करता कहीं घूमने जाने का, तो हमने कहा चलो दर्शन करके आ जाएंगे। और हम कहाँ जा रहे हैं दर्शन करने अभी आप लोग को पता चल जाएगा। तो वीडियो को ढेर सारा लाइक कीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ढेर सारा प्यार दीजिएगा व्लॉग को। तो दोस्तों मैं तैयार हो चुकी हूँ जाने के लिए, और हमारी पूरी फैमिली जा रही है, माने पापा जी, हस्बैंड, बेटा और मैं, हम सब के सब जा रहे हैं आज। तो बस मैं हो चुकी हूँ रेडी, सारा काम भी हो चुका है, और अब देखते हैं क्या क्या होता है आज। कहते हैं ना कब से हम लोग सोच रहे थे कि जाएंगे जाएंगे, वरना प्रोग्राम ही नहीं बन पा रहा था। पर आजकल क्या हो रहा है, हस्बैंड जी का काम थोड़ा हल्का चल रहा है, इस वजह से ना वो ना कभी भी प्रोग्राम बना लेते हैं। तो रातों रात हमारा प्रोग्राम बना कि कल हम चलेंगे दर्शन करने के लिए। तो बस जब भगवान का बुलावा आता है ना तभी जाया जाता है, उससे पहले आप कुछ भी सोच लो कुछ नहीं होता। जब माता रानी की बुलावा होता है तभी जाना हो पाता है। तो बस आज माता रानी का बुलावा होगा हमारे लिए, तो आज हम भी जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। तो हम लोग तैयार हो चुके हैं जाने के लिए, और पति देव भी आ चुके हैं, और धैर्य ने तो भाई अपने नहाने का इंतजाम भी रख लिया है। क्यों नहाओगे आप वहाँ? और नहीं तो क्या, मेरा मन तो मेरा भी कर रहा पर पता नहीं, देखते हैं कैसा होता है। तो हस्बैंड जी भी आ चुके हैं गाड़ी धुलवा के, अब चलते हैं, और उसके बाद क्या क्या इंजॉयमेंट करेंगे आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे। तो बस हस्बैंड जी अब फटाफट से तैयार होंगे और हम लोग फिर निकलते हैं। तो ब्लॉग स्किप मत कीजिएगा, ब्लॉग पूरा पूरा देखिएगा। ये रोड से तो हमारे यहाँ बैक कैमरे में देखना मम्मी को, बैक कैमरे में मम्मी को तो देखो। तो जी हम पहुंच चुके हैं मंदिर, और हम कौन से मंदिर पहुंचे हैं आप लोग समझ ही गए होंगे। हम पहुंचे हैं रामनगर गर्जा मंदिर में, और ये फ्रंट गेट है वहाँ का, और हमने ना एंट्री कर ली है अंदर। तो यहाँ पर ना हमने प्रसाद वगैरह ले लिया, यहाँ पे पापा ना मुझे भेंट वगैरह दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ये वाली भेंट चढ़ा देना, और मैंने कहा थोड़ा बहुत मैं ब्लॉग भी बना लेती हूँ। और ये यहाँ की है मार्केट, अभी हम मार्केट से होते हुए जा रहे हैं अंदर, क्योंकि फ्रंट में ही ना दुकानें पड़ जाती हैं ढेर सारी, और दुकानों से होते हुए फिर हम अंदर जाएंगे अभी मंदिर में। और यहाँ मेरे पति देव भाई आगे आगे जा रहे हैं बिल्कुल, और हम लोग तीनों के तीनों पीछे, पति देव आगे। इधर देखो फोटो बनवाई है मंदिर के साथ, वापसी में दे दूंगा दर्शन करने के बाद। उनसे माता का मंदिर भी आ जाएगा, बना दो एक। वो गजब मुझे भी चलवा आई थी कितनी देर के लिए कितनी अंदर देर कितनी सामने दारी खड़े हो, मैं तेरी फोटो खींचूंगी। कब मंदिर है किस? तो जी ये है यहाँ का मंदिर जो अभी मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ, और इस मंदिर का नाम है गर्जा मंदिर। ये रामनगर में पड़ता है, जहाँ आपने अभी सुना होगा कि दुकानों में ना आग भी लग गई थी। तो ये सारी दुकानें वही दुकानें हैं जो दोबारा से बन चुकी है, अब लग भी नहीं रहा है कि ऐसा कुछ हुआ होगा यहाँ पर। और ये वो मंदिर है जो एक ना पहाड़ का जो टुकड़ा होता है ना उसके टॉप में है, तो काफ़ी भव्य मंदिर है, और दूर दूर से लोग ना यहाँ बहुत आते हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। हम ना हाँ हाँ
पहुंच तो चुके हैं हम गर्जिया में, पर बहुत डाउट है, धैर्य तो पानी चेक करने लग गया है कि नहाए कि नहीं नहाए। मैं तो थोड़ा बहुत बैठ जाऊंगी, देखते हैं। और बहुत भीड़ है भाई, ये देखिए जरा, आप लोगों को भीड़ दिखाती हूँ मैं पहले। तो डुबकी मारने लायक पानी हो रहा? हाँ, डुबकी लायक बहुत है। डुबकी मारी जा रही है, देखिए मारो डुबकी मारो। हाँ, डुबकी मारो, डुबकी मारो। पानी इतने में ही खत्म, मैं तो इतना ही जाऊंगी थोड़ा बहुत ही। पानी ना सही हो रखा, मैंने बच्चों के लायक नहाने लायक बढ़िया हो रखा है। देखिए भीड़ काफी ज्यादा है, मजा तो काफी आ रहा है। गर्मियों के दिनों में ना ऐसी जगह ही अच्छी लगती है। ओह माय गॉड, बहुत ठंडा है, ठंडा का हो रहा है, गर्म हो रहा है पानी। अच्छा नीचे नीचे बैठो। हाँ यार, जल्दी जाओ, अभी डाल के आते हैं। मुझे पकड़ने तो दे, गरीब मर गई। अरे वाह, मच्छी भी हाथ में आ गई भाई, इतनी बड़ी मच्छी हो रही है। यहाँ पर ना मच्छी वगैरह भी रहती है। क्या हो रहा? अरे मम्मी मैं खड़ा हो रहा हूं आपको। पानी में ना फिसलन बहुत ज्यादा है, हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे मस्ती। पापा उधर को चले गए, पापा कह रहे हैं मैं घूम कर आता हूँ, काफी टाइम के बाद आए हैं ना, पानी भर घूमने गए हैं हम, तब तक यहाँ पर एंजॉय करते हैं। तो चलिए हम भी थोड़ा सा स्नान कर लेते हैं गंगा जी में जाके, यानी मन पानी में जाके, कोसी नदी देखा कि कोसी है ये, वहाँ तो दोनों के दोनों मस्त एंजॉय कर रहे हैं। अब मैं भी जा रही हूँ वहाँ पर एंजॉय करने। तो भाई फुल एंजॉयमेंट हो रहा है, और ये देखिए हमारे तौलिए वाले बाबूजी बिल्कुल तौलिया लपेट के घूम रहे हैं। और भाई धूप इतनी तेज है ना कि मैं ना इसी साड़ी से नहाई और मेरी साड़ी ऐसी सूख गई है, धूप इतनी तेज हो रखी। साड़ी बहुत सॉफ्ट थी है ना, पतली थी, इसलिए जल्दी सूख गया। तो काफ़ी बढ़िया मौसम हो रखा है और बढ़िया नहाना भी हो गया है भाई पानी में। अब हम वेट कर रहे हैं धैर्य का, क्योंकि धैर्य जा रखा है। हम देखिए बढ़िया तरीके से अभी स्विमिंग चल रही है, और यहाँ पे ना थोड़ा सा ना ये हवा टाइप की क्यों चल रही है यहाँ पर, अजीब सी ना हवा टाइप की चल रही, धूल टाइप की उड़ के आ रही है। पापा, 360 देखना।
अब हम लोग ने तो नहा लिया पर ठहरे का ना मन नहीं कर रहा पानी से बाहर आने का। गर्जिया में आके काफ़ी मज़ा आया और अभी हम लोग जा रहे हैं, अब नहाकर अब हम जाएंगे, देखते हैं कहाँ को जाते हैं। अब कुछ खाना पीना खाते हैं क्योंकि दर्शन कर लिए थे, अब खाना वाना खा लेते हैं और भीड़ देखते हैं। देखिए आप जरा मेरे पीछे भीड़ बढ़ती जा रही है और हवा देखिए कितनी तेज चल रही है। देखिए यहाँ पे धैर्य फुल मजे ले रहा है अपना और एक आध दोस्त भी बना लिए उसने अपने, जहाँ जाता है दोस्त बना लेता है। ये देखिए और भीड़ भी बढ़ती जा रही है, देखिए भीड़ भी बढ़ गई है अब। तो जी अब हम जाने लग गए हैं खाना खाने के लिए और यहाँ पर ना लगा हुआ है भंडारा, तो हम सोच रहे हैं पहले भंडारा ग्रहण करते हैं उसके बाद देखते हैं। और यहाँ देखिए जरा पीछे को, अभी मैं पुलिया में खड़ी हूँ और ये पापा लोग आ गए फोटो खिंचवा के। ये देखिए खाओ खाओ खाओ, भूख लग गई होगी ना। ये देखो राजमा चावल खाते हैं, भूख तो मुझे भी लग गई है। यहाँ हस्बैंड जी ने मंगा लिया राजमा चावल और हमारा ऑर्डर आ रहा है अभी। तो भाई पानी से निकल के ना बहुत ज़्यादा भूख लगती है, तो अभी तो मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। अब हम निकल चुके हैं मार्केट होते हुए, ये देखिए तो यहाँ पर ना हमने ले ली है आइसक्रीम क्योंकि भाई गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मेरे को तो थोड़ा बहुत ही आइसक्रीम ही अच्छी लगती है और कोई ज़्यादा चीज़ मैं खाती पीती नहीं हूँ, तो मैंने ना आइसक्रीम वगैरह ले ली थी। अब हम जा रहे हैं घर। तो जी हम पहुँच चुके हैं घर पे और घर आने के बाद अब बस हम करते हैं रेस्ट क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए हैं पानी में खेल खेल के, स्विमिंग कर करके। काफ़ी मज़ा आया फैमिली के साथ, इंजॉय करा संडे का दिन। आई होप आप लोगों को भी मेरा ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट व्लॉग जल्दी ही लेकर आऊँगी, तब तक के लिए बाय बाय।